दोस्तों राहुल गांधी ने दिल्ली में जो आज यात्रा शुरू की थी बदरपुर बॉर्डर से, वो अब लाल किला तक पहुंच चुकी है, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पे। अभी आप देख रहे हैं पीछे जो स्टेज लगा हुआ है, वहां पे कुछ देर पहले ही हिंदुस्तान के मशहूर एक्टर कमल हसन साहब ने लोगों को संबोधित किया। कुछ देर में राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे और दूसरे लोग भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा आज जो बदरपुर से शुरू हुई थी वो यहाँ लाल किले में ख़त्म हुई है। इस बीच इंडिया गेट के आसपास होते हुए, दरियागंज होते हुए, ITO होते हुए, प्रगति मैदान होते हुए ये यात्रा पहुंची है लाल किले में। लाल किला के अंदर परमिशन नहीं मिले थी, इसलिए लाल किला के बाहर ही स्टेज लगा हुआ है। यहीं से राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे, अभी कमल हसन ने किया है। भले ही इस यात्रा का राहुल गांधी कोई पॉलिटिकल फ़ायदा ना ले सके, लोग उनकी पार्टी को वोट ना दें, लेकिन राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज देने में तो कामयाब हो ही गए हैं कि इस वक्त देश को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एकता की, इत्तेहाद की, यूनिटी की। चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, उनके अंदर इत्तेहाद ज़रूरी है। और जो हज़ारों किलोमीटर वो यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, आप गौर कीजिए, एक अमीर आदमी, पैसे वाला आदमी रात में, दिन में, ठंडक में इतनी चला जा रहा है, उसे तकलीफ़ें भी आई, पाँव में चोट भी आई, वो भी चले जा रहे हैं, उनके साथ हज़ारों लोग भी चले जा रहे हैं। और सबका एक ही मकसद है, इस देश में आपस में लोगों के दरमियान एकता कायम हो। Thank you.
Thank you.
चार गया ना पंद्रह जो बस में चार गया इसका मजा है। ¡Gracias!